बच्चा बहुत हाइपर एक्टिव है, बहुत भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, आई मीन आजकल आई थिंक ज़्यादातर सारे बच्चे वैसे, तो उनके लिए आप क्या यू नो क्या एक जनरल सा आप कहना चाहोगे? ऑफ कोर्स स्पेसिफिक तो बच्चे के साथ होता है, बट श्योर जनरल क्या आपको लगता है करना चाहिए? मोस्ट इम्पॉर्टेंट हियर इज द शुगर इनटेक, वेदर वी कॉल ADHD और हाइपर एक्टिविटी जो हम टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं, इट बाय एंड फार रिवॉल्व्स अराउंड शुगर एंड शुगर इनटेक ऑफ द चाइल्ड. जैसे चपाती में जैम चाहिए होता है या नटेला चाहिए होता है, दीज आर टिपिकल वेयर मदर्स ऑल्सो गिवन, बेटा वो नटेला के वजह से चपाती तो खा के जा रहा है, और इट विल बी सम यू नो दोज क्विक केक्स हो गया, रेडीमेड, इतनी सारी चीज़ें रेडीमेड अवेलेबल है. लेट अस अंडरस्टैंड एवरी रेडीमेड फूड हैज शुगर एज अ प्रिजर्वेटिव. ओके, इट हैज़ टू हैव ऑल योर रेडीमेड सॉसेस, योर वॉट एवर इज पैक्ड, इट हैज़ टू हैव शुगर, सॉल्ट, ऑयल एज अ प्रिजर्वेटिव, नहीं तो खाना वो पैक्ड फूड ख़राब हो जाएगा. टिंड फूड नहीं दे सकते हम, राइट? सो बिकॉज ऑफ ऑल दिस इट इज़ इंक्रीजिंग टू द शुगर इनटेक. अगेन शुगर रिलीजेज द गश ऑफ एनर्जी एंड द चाइल्ड हैज़ टू यूटिलाइज इट, दे कांट कंजर्व एंड दे कांट सिट इन अ प्लेस. Right? Now, if they have not eaten for a very long time, there are children, in spite of not eating, they are continuously at it. Again, they are leaner because they are using the body fat. They are burning the whatever the body has. Right? Because the body has to give energy. लेकिन अगर sugar नहीं दो तो उससे भी कुछ वो deficiency जैसा कुछ नहीं आएगा? Absolutely no. The form of sugar is important. जैसे आप पूरा apple, कोई भी एक hyperactive बच्चे को बोलो बैठो और पूरा apple चबा के खाओ. How do parents give apple? छील के, काट के, छोटे टुकड़े, ताकि वो बच्चा सिर्फ इधर से इधर ले जाए. वही ट्राई एज अ थेरेपी, फूड थेरेपी, उसको उठा के पूरा एप्पल चबाने को बोलो. हम कितना वैसे खाते हैं, राइट? वी ऑल्सो लाइक इट कट, यू नो, अरेंज्ड इन अ प्लेट. बेसिकली शायद एक बेटर रोल मॉडल्स बनना पड़ेगा. एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली, दैट गोज विदाउट सेइंग, वेदर ऑटिस्टिक, वेदर हाइपर एक्टिविटी और वेदर अ नॉर्मल चाइल्ड. एंड और पहले इतनी हाइपर एक्टिविटी नहीं होती थी क्योंकि हम खाना भी ऐसा वाला नहीं खाते थे. पैक्ड फूड्स कहाँ खाते थे? मुझे बचपन में याद भी नहीं है कि इवन एज अ पार्टी फूड आई यूज टू गेट एनी पैक्ड फूड. सॉसेस तो होता नहीं था. संडे टू संडे केचप के दो चम्मच खा लिए. अभी हर रोज केचप आता है. हाफ अ लीटर ऑफ बॉटल आई हैव सीन पेरेंट्स बाइंग 1+1 फ्री. सो लाइफस्टाइल बदलता जा रहा है. यस, एंड दैट इज ऑल एडिंग. शुगर इनटेक बढ़ रहा है. शुगर इनटेक बढ़ रहा है. इट मे नॉट बी डायरेक्टली शुगर. पेरेंट्स बोलते हैं मैं हनी देती हूँ, जैगरी देती हूँ. हाँ, ठीक है. सो यू हैव डेवलप दैट स्वीट टूथ फॉर द चाइल्ड. नाउ इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कम बैक एंड से ठीक है अभी स्वीट नहीं खाओ. बट हनी जैगरी भी नहीं देना है? नहीं देना है सर. अभी आप शुगर भी दे रहे हो, हनी भी दे रहे हो, जैगरी भी दे रहे हो, देन यू आर जस्ट एडिंग टू इट, राइट? यू आर नॉट एबल टू लिमिट. ठीक है, शुगर के जगह पे आप जैगरी दे रहे हो, ठीक है. You understand? But I'm still not contributing. It's still a sweet factor. Yes. But अगर मैं बोलूँ जैगरी के जगह में I'm giving you black kishmish, I'm giving you dates. Yes. Right? It's also a sweetener. It gives you a sweet taste. Yes. It is adding to the iron. It is adding to some amount of protein, some amount of omega-3, some amount of good protein for as a vegetarian source. Yes. Good fats. Right? So they are better option. But बच्चे को dates खाना नहीं होता है. तो पेरेंट्स बोलते हैं हम डेट सिरप डाल देंगे जो रेडीमेड है जिसमें वापस शुगर है, राइट? सो इट्स अगेन अ विशियस साइकिल. सो आई वुड से इट इज 50-50 पार्टनरशिप. सो फॉर द ईज ऑफ द चाइल्ड और द वांट ऑफ द चाइल्ड पैकेट्स एंड यू नो प्रिजर्व फूड्स अब. और फिर हम कहते थे कि हमारा बच्चा नहीं खाता सब नहीं कुछ. तो हम खिलाते ही नहीं है, हम एफर्ट नहीं डालेंगे. हाँ. सो बच्चा खाएगा कैसे? हमारे पास टाइम ही नहीं अपने बच्चों के लिए. एंड सेकेंड इज हमारा फ्रिज जो होता है ना, इट इज़ लाइक अ सुपर मार्केट. सब कुछ स्टॉक्ड होती है कि अगर आप नहीं भी होते हो, यू फियर कि मेरा बच्चा नहीं खाएगा, मैं नहीं रहूँगी तो. अगर हम ऑप्शंस ही नहीं देंगे तो बच्चा क्या नहीं खाएगा तो नहीं खाएगा. अगर आपके फ्रिज में सिर्फ गाजर और काकड़ी है और बच्चा 10 बार फ्रिज खोलता मुझे कुछ तो नहीं मिल रहा है ना, तो भूख अगर लगी है तो वो ही खाएगा. yes, yes. गाजर भी आप ग्रेट करके उसको मसाला बना के यू नो यू डेकोरेटेड, वही वो चॉकलेट्स पड़ी होती हैं घर पर. हाँ, कि वो खा लो इमीडिएटली. yes, कि कुछ नहीं मिला तो ये तो है. लाइक माई चाइल्ड शुड नॉट गो हंग्री, दैट इज रॉन्ग. Biscuits, it's not one biscuit, it's 5 types of biscuits that you store. Yeah. And the child definitely knows, मेरे घर में इतने biscuits होते हैं क्योंकि दादी ये खाती है, दादा ये खाते हैं, मम्मी ये खाते हैं, पापा ये खाते हैं और मैं ये खाता हूँ.
सो यू हैव क्रिएटेड दैट इंप्रेशन ऑलरेडी. और हम उनको वैसे ही माहौल में बड़ा कर रहे हैं तो उनको लग रहा है वही सही है. देर आर पेरेंट्स टेल मी मैम दे नो कौन से डब्बे में क्या रखी हुई, और फिर हम बोलते हैं हमारे बच्चे हाइपर एक्टिव. उनको कैसे पता कौन से डब्बे में क्या है? yes. क्योंकि जो भी किचन में आता जाता है, खोलता है, बच्चा तो देख तो रहा है. ही इज ऑफ दैट मीन्स योर चाइल्ड इज़ वेरी स्मार्ट. मैं तो उसका अदर साइड बोल देती हूँ, मतलब आपका बच्चा कितना स्मार्ट है आप जगह बता तो भी फाइंड आउट कर लेता मैम. बहुत स्मार्ट, हाँ हाँ बहुत स्मार्ट. तो पेरेंट्स खुश हो जाते हैं. बट यूज़ द स्मार्टनेस इन द राइट वे, इंस्टेड ऑफ चैनलाइजिंग इट इन द रॉन्ग वे और फाइंडिंग अ फॉल्ट कि बच्चे ने ढूंढ लिया मैंने शुगर कहाँ रखा है. क्यों लाते हो 5 kg शुगर? यस. आधा किलो लेके आओ, तो इतना ही बाहर रखो, 3 दिन में भले ही ख़त्म हो जाए. राइट. सो इफ वी आर एबल टू कर्टेल दैट, इट इज़ अ बेटर एटमोसफियर. हमको चेंज करना है, बच्चों की हाइपर एक्टिविटी अपने आप चेंज हो जाएगी. हो जाएगी, ऑफकोर्स हो जाएगी. आप बच्चों को वो अगर एक्सपोजर उतना ही दोगे, लोग जूसेस रखते हैं घर में कि गेस्ट आएगा तो जूस पीएंगे. मैं बोलती हूँ नींबू पानी बना के दो. कौन से गेस्ट ने बोला है मुझे जूस ही पीना है? नींबू पानी भी तो जूस होता है ना, पर बनाना पड़ता है. दैट इज अ फाइट. वी हैव मिसेस प्रिया करकेरा विद अस टुडे. शी इज अ पीडियाट्रिक न्यूट्रिशनिस्ट. शी हैज अ good 20 years experience and she's specialized in pediatrics since the last 10 years. We have asked a lot of questions to her. Keep watching this channel to learn more. Thank you.